payment has been made. Oh, you paid it already? Yes. I just purchased a beautiful dress by using a technology that's Google Pay. सिर्फ पिन डालो, QR स्कैन करो, पैसा निकालो. तो पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं है? मैं यही तो पूछ रही हूँ, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? होते हैं नारियल का पानी, उससे लेके रिक्शे तक, फिर वो गन्ने का जूस आप कहीं पी रहे हो, उजाड़ में किधर खड़े हुए हो, हर जगह पेटीएम, हर जगह पेटीएम. मैंने 98% जो अपनी पेमेंट किए थे ना ऑनलाइन. रियली? हाँ. पाकिस्तानियों को इस टाइम इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए, इंडिया के मतलब नगमे लगाने चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि शायद इन हमारे हुक्मरानों को शर्म आ जाए. ये एक छोटी सी शॉप है सड़क किनारे और यहाँ पर भी ये सिस्टम लगा हुआ है. ये निम्को शॉप है लेकिन इस पर भी यही सिस्टम है. फ़ोन पे, आप फ़ोन के ऊपर इसको स्कैन करें और पे करें. मैं कनॉट प्लेस के पास गया, वहाँ पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था. लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय, उसकी बहुत मजेदार थी, लेकिन साथ यूपीआई का साइन पड़ा. बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था, ठीक है, पान वाले के पास क्यूआर कोड था, आपको कैश की जरूरत नहीं है, आप स्कैन. कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहां, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन है, वो चेक क्यों नहीं कर रहा? फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे. एक सब्जी बेचने वाले के पास भी अपना बैंक कोड क्यूआर कोड है. ये पता कौन सी कंट्री है? नहीं. आप बता सकते हैं कौन सी कंट्री है? बेल्जियम? नहीं, ये इंडिया. मतलब आप नारियल पानी भी ले रहे हैं तो कड़ंग करके क्यूआर कोड. हाँ, वो होता ये था उसका एक, जो आप देखिए कि जहाँ पे रश ज़्यादा होगा ना तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि पेमेंट हुई है कि नहीं. वो फिर एक आवाज़ आती थी कि इतने पैसे जो है ना हमें यहाँ से रसीव हुए, तो वो फिर कहता था दुकानदार कि अच्छा जी आ गए, तो मतलब वो पीछे ऐलान चल रहा होता था प्रॉपर ना. अच्छा. कि मैंने अगर 500 रुपये की कोई चीज़ ली है तो 500 रुपये आपने ट्रांसफ़र किए, साथ ही उनकी मशीन से आवाज़ आएगी कि 500 रुपये जो है ना वो ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो उसको पता चलता था, कहता था ठीक है. ये देखिए जिस तरह से वो लोग कोड इस्तेमाल करते हैं, स्कैन करते हैं और पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कैशलेस इकोनॉमी है. ये एक जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है, तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा, इंडिया हमसे 100 साल आगे है. इंडिया ट्रेंडिंग में जा रहा है पिछले 2 महीनों से. मैं कहती हूँ तो अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि आई हैव नो वर्ड्स. इंडिया जो है उनका बनता भी है ट्रेंडिंग पे जाना और अल्ट्रा प्रो मैक्स बनता भी, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनमें इंसानियत है. ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है? मैं देख रहा हूँ, मैं मेट्रो में गया हूँ, एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने. मैं इंडिया गेट गया हूँ, मुझे अमेरिका से ज्यादा सफाई नजर आ रही है. ये एक माइंडसेट होता है, एक रेवोल्यूशन होता है. तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो की शुरुआत में देखा कि किस तरह यूपीआई यानी यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट का जादू पाकिस्तानियों के सिर चढ़कर बोल रहा है. यूपीआई सिस्टम आज पूरे भारत में चल रहा है और बड़ी बड़ी शॉप से लेकर सब्जी बेचने वाले ठेलों पर भी यूपीआई सिस्टम का बोलबाला है. साल 2022 में यूपीआई से 38.7 बिलियन ट्रांजैक्शन की गई और अब भारत ऑनलाइन पेमेंट के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर है. भारत घूमने आने वाले विदेशी और पाकिस्तानी यूपीआई सिस्टम देखकर हैरान परेशान रह जाते हैं, क्योंकि इतनी आसानी से ऑनलाइन पेमेंट करना केवल भारत में ही मुमकिन है. भारत का ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इतना आसान और कमाल का है कि यूएस भी इस सिस्टम को अपने देश में लाना चाहता है. हाल फिलहाल श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान और नेपाल में यूपीआई सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत इसे दुनिया के बाकी देशों में भी ले जाने की कोशिश कर रहा है. तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट्स वहाँ जिस तरह जितनी आसान है, ऑनलाइन पेमेंट बहुत आसान है, तो वो बड़ा वायरल हुए थे. फिर वो इंडियन मीडिया में भी काफ़ी कवर हुए, उनके इंटरव्यूज़ भी आए काफ़ी. मैंने 98% जो अपनी पेमेंट किए थे ना ऑनलाइन. रियली? हाँ. मैं कहता हूँ वो जो नहीं है आपको दे रहे होते हैं नारियल का पानी, उससे लेके रिक्शे तक, फिर वो गन्ने का जूस आप कहीं पी रहे हो, उजाड़ में किधर खड़े हुए हो, हर जगह पेटीएम, हर जगह पेटीएम, सिवाय चंद जगहों पे जहाँ पे रिक्शे वाले के पास शायद होगा तो वो जानबूझ के भी नहीं कर रहा होगा, आई एम नॉट श्योर क्यों, लेकिन मैं ये करता था, मेरे पास नहीं था पेटीएम का अकाउंट, मैं अपने दोस्त को उसको साथ वाले के जो पैसे ट्रांसफ़र कर देता था उसके अकाउंट में होते थे और वहीं से सारी जो वो ट्रांजेक्शन, मतलब कैश तो ज़ीरो। मतलब आप नारियल पानी भी ले रहे हैं तो कड़ंग करके QR कोड। हाँ, वो होता ये था उसका, एक जो आप देखिए कि जहाँ पे रश ज़्यादा होगा ना तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि पेमेंट हुई है कि नहीं, वो फिर एक आवाज़ आती थी कि इतने पैसे जो है ना हमें यहाँ से रिसीव हुए, तो वो फिर कहता था दुकानदार कि अच्छा जी आ गए, तो मतलब वो पीछे ऐलान चल रहा होता था प्रॉपर ना, अच्छा कि मैंने अगर 500 रुपये की कोई चीज़ ली है तो 500 रुपये आपने ट्रांसफ़र किए, साथ ही उनकी मशीन से आवाज़ आएगी कि 500 रुपये जो है ना वो ट्रांसफ़र हो गए, तो उसको पता चलता था, कहता था ठीक है। तो ईज़ ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा ईज़ है, मतलब इतना तो यूरोप भी एडवांस नहीं हुआ। मैं जर्मनी में जाता हूँ तो किसी जगह आप डोनर खाने जाओ तो वो कहता है कि भाई कैश दो मुझे। हाँ, मैं इंडिया से वापस जर्मनी जब गया हूँ तो मुझे मसला हो रहा था कि कैश में आदत नहीं थी कैश पास रखने की, वो हर जगह गए कैश निकालो। हाँ, तो इंडिया इज़ एडवांस, मतलब नो डाउट। आई होप कि हम भी थोड़ा सा जो है ना उनको फॉलो करके इसे कैशलेस की। हाँ, ये भी है। इंडिया के अंदर जो है लोग कैश कैरी नहीं करते, वो UPI करते हैं। अगर उन्होंने एक गोलगप्पे खरीदने हो, मिर्च खरीदने हो, मिसाले खरीदने हो, गोल्ड तक खरीदना हो तो वो UPI करते हैं, जो उनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पेमेंट उनको बना के दिया है। क्या कहेंगे इतनी फैसिलिटी के ऊपर कि आज के ज़माने में कैश नहीं कैरी करते लेकिन फिर भी सब कुछ खरीदते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात तो आपने जो की ना वो गोल्ड की तो चलो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, वो लग्जरी लोग आते हैं वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते हैं। और अब आप बात बता रही हैं कि गोल गप्पे वाला, मतलब कि वो लोग इतने आगे निकल चुके हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं और हम लोग वहीं के वहीं, बल्कि हम लोग 20 30 50 साल पीछे ही जा रहे हैं। आप लोग देखेंगे जब आप YouTube निकालेंगे, सोशल मीडिया निकालेंगे, आप देखेंगे कि अमेरिका वगैरह ये लोग, लंदन, UK वगैरह कितने आगे हमसे। मैं तो मानता हूँ कि वो हमसे वो 100 साल जो है ना वो आगे हमसे। लेकिन पाकिस्तान में बस क्या बताएं अब आपको, हालात आपके सामने सारे। के जमाने में कैश कैरी करके मार्केट जाना क्या सेफ है? बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो हालात है, जितनी महंगाई हुई है, जिस तरह का दौर चल रहा है, जितनी महंगाई है, लोग तो अब सोच रहे हैं कि हम कैसे अपना गुजारा करें जीने के लिए। अब बहुत मुश्किल हो चुका है यहाँ। देखिए, पहले वो चांद पर पहुँच गए, उसके बाद जो है वो अब उनका जो है वो सोलर मिशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद अब ये जो G20 मीटिंग है, और ये तो धचके पे धचका हमें मिलता जा रहा है और इंडिया ट्रेंडिंग में जा रहा है पिछले 2 महीनों से। मैं कहती हूँ ये तो अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि आई हैव नो वर्ड्स। इंडिया जो है उनका बनता भी है ट्रेंडिंग पे जाना और अल्ट्रा प्रो मैक्स बनता भी है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनमें इंसानियत है। अगर वो अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देते हैं तो वो आवाम का भी ख्याल रखते हैं। अपने हर प्रोजेक्ट्स में आवाम के लिए अलग हिस्सा होता है कि हमने गरीब आवाम पे इतना लगाना है, अपने बच्चों के लिए इतना लगाना है। ये नहीं कि वो जो बचेगा वो अपनी जेबों में डालना है,